मैंने अदरक को धो लेंगे और इसको छीलने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। कई लोगों को इसको छीलना नहीं आता, तो स्पेशली बिगनर जो होते हैं कुकिंग में, उनको मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा चाकू को इस पे ऐसे प्रेस करिए और ऐसे करके इसके ऊपर स्लाइड कर दीजिए, तो आपके अदरक का छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है और अदरक भी वेस्ट नहीं होती। कहीं पे मोटा है तो वहाँ पर काट के निकाल दीजिए खराब हिस्सा, बाकी अदरक हमारी इस तरह से हम छील कर रख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से मैंने बाकी अदरक, ये करीब 1 पाव है, इस अदरक को भी मैंने छील कर रख दिया एक प्लेट में और धो दिया है। इस अदरक को हम लोग अब स्लाइस में काट कर, धोने के बाद स्लाइस में काट कर एक कपड़े पर थोड़ा सा फरारा सुखा देंगे हल्का हल्का, ताकि इसका पानी उसमें निकल जाए। इसी तरह हम हल्दी का भी छिलका निकाल लेंगे, ये कच्ची हल्दी है जो बाजार में मिलती है, उसका भी छिलका अदरक की तरह ही हमें निकालना है, क्योंकि आज मैं अदरक हल्दी और हरी मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ, जो कि ना केवल खाने में स्वादिष्ट होता है अपितु ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। हल्दी का इस तरह से मैंने पीस छील दिया, बाकी मैंने पहले से छील के रखे हुए हैं। अदरक और हल्दी इस तरह से मैंने छील कर रख ली है। अगर अदरक 1 पाव है तो हल्दी उसका 1/4 हिस्सा लेना है, क्योंकि हल्दी थोड़ी स्ट्रांग होती है। एक बात और मैं पहले बता देती हूँ आपको कि जब भी आप अदरक और हल्दी, ये फ्रेश हल्दी है जो बाजार में मिलती है, इसको लेने के लिए जाएंगे, खरीदने जाएंगे, तो ध्यान रखिए कि अदरक ताजी होनी चाहिए, सूखी या मिट्टी वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हल्दी भी आपकी ताजा और फ्रेश होनी चाहिए। अदरक के मैं इस तरह से स्लाइसेस निकाल दूंगी और फिर कपड़े के ऊपर फैला दूंगी। इसी तरह से हल्दी के भी स्लाइसेस निकाल दूंगी पतले पतले और कपड़े पे हल्के सा फैला दूंगी। धुले हुए अदरक के स्लाइसेस बना के मैं इस तरह से थोड़ी देर के लिए कपड़े पे फैला दूंगी और पंखे में 10-15 मिनट रखूंगी, तो उसका फालतू का पानी निकल जाएगा। इसी तरह से हल्दी भी कपड़े पर डाल दूंगी मैं और 10-15 मिनट के बाद इसको हम शुरू करेंगे पेस्ट बनाने के लिए। अब मैं एक और चीज आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये हरी मिर्ची भी ली हुई है जो कि मैंने पहले से ही धोकर कपड़े में रखी थी, इसको भी मैं ले लूंगी। तो अदरक अगर हमारी 1 पाव है तो 50 ग्राम मैंने हल्दी ली है और 50 ग्राम के करीब ही मैंने हरी मिर्ची ली है। इसको सूखने के बाद इस तरह से थोड़ा चीरा लगा के रख देना है, हल्का हल्का चीरा लगा के इस तरह से रख देना है, क्योंकि इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसके फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा चीरा लगा कर रखा है। अब मैं इनको एक कढ़ाई में लेकर भूनने जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद अदरक हमारी सूख गई है, हल्की हल्का सूखापन आ गया इस पर, इसका पानी उड़ गया है। अब मैं इसको नॉन स्टिक पैन में मैं 1 चुटकी नमक डालकर अदरक डाल दूंगी इसमें और करीब 3 से 4 मिनट इसको भूनूंगी, जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए। करीब 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी अदरक इस तरह से हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे, उसको तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ी सूख ना जाए। हल्दी को हमें ब्राउन नहीं करना, नहीं तो उसकी खुशबू कम हो जाएगी। इसको अदरक को 3 से 4 मिनट लगे हैं, क्योंकि ये थोड़े मोटे स्लाइसेस थे, अदरक मोटी थी बड़ी थी। अगर आप पतले स्लाइसेस करेंगे तो उसको थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है ब्राउन होने में, सूखने में। हल्दी को भी 1 मिनट तक चलाएंगे थोड़ा, जब तक कि इसका पानी सूखने से लगे, और इसको थोड़ी देर के लिए इसको इस पे फैला दो कढ़ाई पे, ताकि उसकी तली पे भी ये रहकर अपना बाकी बचा कुचा पानी छोड़ दे। हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे जो कि हमने चीर कर रखी हुई थी, उसको भी इसमें चलाएंगे 1 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि ये पानी अपना सुखा ना ले, सूखी सूखी सी ना लगे। इसको सबको इस पे थोड़ा फैला के रख देंगे
ताकि बचा कुचा पानी भी उड़ जाए। नमक मिलाने से इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो भी बाहर निकल कर खत्म हो जाता है। अब हम इसको ठंडा होने पर निकाल कर पीसेंगे। पीसते टाइम इसमें मैं एक टीस्पून सिरका भी डाल दूंगी। अब हम एक मिक्सर जार में इसको निकाल रहे हैं। ये लगभग ठंडा हो गया है इस तरह से। इसमें एक टीस्पून एक चम्मच छोटी चम्मच सिरका डाल दिया और अब हम इसको पीसेंगे। थोड़ी देर के बाद ये पीसकर इस तरह से हो जाएगा। अब एक चम्मच से इन सबको बीच में लाकर हम थोड़ा सा और पीसेंगे। इसको हमको दरदरा ही पीसना है ताकि खाने में इसका स्वाद भी आता रहे। इस तरह का हमारा पेस्ट बन गया है। मिक्सी में 3 से 4 रुक रुक कर चलाने पर और आसपास अगर कुछ चिपक जाता है उसको चम्मच से नीचे करते रहिएगा तो इस तरह से हमारा पेस्ट बन जाता है। थोड़ा सा दरदरा है। अब हम इसमें एक चम्मच सिरका और डाल देते हैं और मिक्सी से बाहर निकाल देते हैं। अब मैं इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगी। क्योंकि पहले से ही भुना हुआ है तो किसी भी दाल सब्जी मोमोज चाइनीज कॉन्टिनेंटल किसी भी चीज में आप इसका उस चीज के अनुपात से ये पेस्ट सीधा डाल सकते हैं क्योंकि पहले से भुनी हुई है। जैसे कि मैंने मूंग स्प्राउट बनाया उसमें मैंने इसको डालकर इस तरह से थोड़ा मिक्स किया और इसमें बाद में एक चम्मच नींबू का रस मिला दिया। हमारी डिश तैयार हो गई बिना कोई मसाले को भुने हुए। माइक्रोवेव में बनाने के लिए अदरक के टुकड़ों को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है और हल्दी के टुकड़ों को आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव करके एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे और उसके बाद हम उन्हें पीस लेंगे। अदरक और हल्दी डालने के बाद एक चम्मच इसमें सिरका डाला है सफ़ेद सिरका पीसने से पहले। इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा बीच में करके 2-3 बार रुक रुक के चलाएंगे तो ये अच्छी पेस्ट बनके तैयार हो जाएगी। ये पेस्ट हमें थोड़ी दरदरी ही बनानी है। इस तरह से हमारी अदरक और हल्दी की पेस्ट तैयार हो गई है। काफी महीन है पेस्टी है और भुनी हुई है। किसी भी चीज में आप इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं। इसको दोबारा भूनने की जरूरत नहीं है। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स वैसे के वैसे इसके अंदर ज्यों के त्यों है। बहुत पौष्टिक अदरक और हल्दी की पेस्ट तैयार हो गई है। वीडियो देखने के बाद कमेंट देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल दबाइएगा अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।